Hello everyone! Welcome to your all-in Maths online class. This is for third standard. Today is 20th of May, two thousand twenty-one. Today is Thursday. Uh, we are doing our chapter number four, subtractions. Uh, we are on exercise four point four. Okay. So uh, here I have taken some examples for you guys, just like you will get to know or you will get help in doing exercise. Okay. So. एडिशन एंड सप्ट्रैक्शन टुगेदर अब एडिशन और सब्ट्रेक्शन को हम कैसे साथ में करेंगे हम वो सीखते हैं जब भी हम एडिशन और एप्ट्रेक्शन को साथ में करते हैं हम उसको सिंप्लीफाई कहते हैं ओके okay? अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइनटीन प्लस फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी माइनस फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटीन ये सम है हमारे पास अब जब भी हम इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखेंगे हम ये देखेंगे कि हमारे नंबर का जो साइन है वो हमेशा नंबर से पहले दिया होता है ओके दैट मीन्स फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी का साइन यहाँ पे क्या है प्लस है ओके okay? इसी तरह से फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटीन का साइन यहाँ पे माइनस है अब इन दोनों का साइन तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ठीक अब थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइनटीन का साइन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा और जब भी यहाँ पे जब भी कोई साइन नहीं लिखा हो हम उसको प्लस अज्यूम करते हैं ओके okay? तो हम उसको प्लस अज्यूम करते हैं फाइन तो हम सबसे पहले जो एडिशन वाले जो साइन के जो नंबर्स हैं यानी ये दोनों इन दोनों को हम साथ में लेके ऐड कर देंगे ओके okay? तो हम नाइन प्लस जीरो करेंगे दैट्स नाइन वन प्लस थ्री करेंगे दैट्स फोर फोर प्लस सेवन इज़ इलेवन इलेवन करेंगे फ़ाइन वन यहाँ पे क्या आ गया आप uh, वन को आप सर्कल में ले लीजिए यानी कैरी को आप सर्कल में रखेंगे तो वो डिफ्रेंशिएट हो पाएगा एचअल नंबर से एचअल सम से फिर थ्री प्लस वन इज़ फोर फोर प्लस फाइव इज़ नाइन तो आपका आंसर क्या आया नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी नाइन ओके उसके बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखिए आंसर uh, हमारे पास आ गया अब जो हमारा जो माइनस uh, वाला जो सम है माइनस वाला जो नंबर है हम उसको इसके आंसर से माइनस कर देंगे ओके okay? तो हम नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी नाइन में से फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटीन को माइनस कर देते हैं okay? ओके अब हम नाइन में से एट निकालेंगे दैट्स वन फोर में से वन इज़ थ्री यहाँ वन है यहाँ नाइन है वन में से नाइन नहीं हो सकता तो हम एक नंबर यहाँ से कैरी करेंगे सॉरी बोरो करेंगे दैट्स इलेवन एलेवन में से हम नाइन माइनस करेंगे टू बन जाएगा यहाँ से इसको दिया पीछे बचा एट एट में से फ़ोन निकालिए फो तो हमारा आंसर क्या आया फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी वन और जहाँ पे भी कॉमास लगाने की ज़रूरत है वो लगा दीजिए आपको पता है हम कितने डिजिट्स के बाद कब कॉमा लगाते हैं ओके okay. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं सपोज हमारे पास है एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन माइनस सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री प्लस नाइन हंड्रेड सेवन हमें इतना पता है कि आ, इन दोनों का साइन हमें पता है अब हमने पहले भी डिस्कस किया जहाँ पे भी साइन नहीं लिखा होगा हम उसको प्लस अज्यूम करते हैं ओके okay? अब हम एडिशन वाले नंबर्स को एक साथ ले लेंगे उनको प्लस कर देंगे फाइन अब यहाँ पे तो आपका सीक्वेंस में था तो आपने ऐसे लिख दिया अब हम इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे ओके okay? तो इन दोनों नंबर्स को यहाँ ले लेते हैं अब यहाँ प्लेस वैल्यू सेट कर लीजिए ताकि जो है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर्स या ये चार डिजिट का है ये थ्री डिजिट का है आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेवन है वो कौन से प्लेस वैल्यू पर आता है फोर जो है वो कौन से प्लेस वैल्यू पर आता है तो आप प्लेस वैल्यू सेट कर लीजिए फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे ओके okay? नाइन प्लस सेवन इज़ सिक्सटीन वन आ गया क्या रही सिक्स यहाँ पे है ओके थ्री थ्री प्लस फोर इज सेवन सेवन प्लस वन इज एट ओके फिर ज़ीरो प्लस नाइन इज नाइन और एट इज नीचे आ गया तो आपका आंसर क्या है एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टी सिक्स ओके अब हम सेकेंड स्टेप देखते हैं हमारे आंसर के साथ हम क्या करेंगे माइनस वाले नंबर को uh, इस वाले नंबर को यानी जिसमें माइनस का साइन है उसको हम सब चार्ट कर देंगे ओके okay? तो इस वाले नंबर को यहाँ लिखिए आप एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्स में से हम क्या करेंगे सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी थ्री को हम माइनस कर देंगे ओके okay? सिक्स में से थ्री माइनस करिए दैट्स थ्री यहाँ पे एट है यहाँ नाइन है एट में से नाइन माइनस नहीं हो सकता तो हम एक नंबर कैरी करेंगे वो बन गया एटीन एटीन में से हम नाइन माइनस करेंगे दैट्स नाइन फिर यहाँ से इसको दिया पीछे बचा एट एट में से फाइव करिए दैट्स थ्री और एट में से सिक्स करिए 2,393 आपका आंसर आ जाएगा ओके okay? तो ये आपका आंसर है अब हम प्लस करके यहाँ पे छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास एक नंबर अभी बचा हुआ था फिर हम इस नंबर को इस नंबर से माइनस कर देंगे फिर हमारा आंसर ये बन गया ओके okay? तो हम कुछ इस तरह से करते हैं अब हम कुछ और एग्जांपल्स देंगे आपके लिए ताकि आप और अच्छे से सीख पाओ अभी तक हम जो कर रहे थे वो था थोड़ा सा लाइक uh, सिंपल like था इस वाले के कंपैरिजन में अब ये जो है आपको थोड़ा सा टफ लगने लगेगा अब हम इसको ध्यान से देखेंगे जब भी ओके uh, okay. अब हम कुछ ऐसे टर्म्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है वन वन सॉरी माइनस माइनस इज़ इक्वल्स टू प्लस होता है फाइन माइनस साइन माइनस साइन और माइनस साइन इज़ इक्वल्स टू प्लस होता है ओके okay. प्लस और प्लस इज इक्वल्स टू प्लस ओके प्लस और माइनस इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस अब ये जो है वो ये सब आप बात बात की बात है पर आप इतना ध्यान में रखेंगे अभी माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस होता है ठीक अब यहाँ पे ये वाला जो नंबर है वो माइनस है ये वाला जो नंबर है वो माइनस है ये हम अभी आप इसको बिल्कुल भूल जाइए क्योंकि ये टॉपिक ही अभी उसके रिलेवेंट नहीं है तो आप खाली बस इतना ध्यान में रखेंगे कि जो माइनस और माइनस है वो प्लस होता है ओके अब माइनस माइनस प्लस होता है यानी हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे यानी माइनस माइनस प्लस होता है मैं बोल चुकी हूँ आपको इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे ओके okay? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है फ़ाइन तो फिर हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो नाइन प्लस फोर इज़ थर्टीन एट प्लस वन प्लस वन इज़ टेन फाइव प्लस वन इज़ सिक्स टू प्लस वन इज़ थ्री थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थ्री इतना आ गया अब ये जो नंबर है ये हमें पता है ये वाला नंबर जो है वो हमें पता है कि ये प्लस है ओके अब मैं यहाँ पे बोल चुकी हूँ आपको प्लस और माइनस इज इक्वल्स प्लस और माइनस इज इक्वल्स टू तो माइनस होता है ठीक अब हम क्या करेंगे इस नंबर को इस नंबर से माइनस कर देंगे फाइन तो सेवन में से थ्री माइनस करिए फोर सिक्स में से ज़ीरो माइनस करिए सिक्स फाइव में से सिक्स नहीं हो सकता हम एक नंबर बोरो करेंगे वो बनेगा फिफ्टीन फिफ्टीन में से सिक्स माइनस करेंगे नाइन यहाँ से एक नंबर इसको दिया पीछे बचा थ्री थ्री थे इस ज़ीरो तो हमारा आंसर क्या आया नाइन हंड्रेड सिक्सटी फोर ओके तो कुछ इस तरह से करना था अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का है अब यहाँ पे देखिए इस वाले नंबर का तो साइन हमें पता है प्लस है इसका भी दिया हुआ है प्लस इसका माइनस है इसका प्लस है अब हम क्या करेंगे सारे के सारे प्लस वाले डिजिट्स को एक साथ ले लेंगे यानी इसको इसको और इसको ठीक है इन तीनों को ले लेते हैं इन तीनों को एक साथ ऐड करेंगे तीन नंबर्स आप ऐड करेंगे और प्लेस वैल्यू भी सेट कर दीजिए क्योंकि सभी एक जैसे नहीं है कोई थाउजेंड्स में है कोई हंड्रेड्स में है ओके okay? तो हम इंक्वायर कर लेते हैं सिक्स प्लस फोर इज़ टेन टेन प्लस टू इज़ ट्वेल्व ओके देन सिक्स प्लस फाइव इज इलेवन इलेवन प्लस वन इज़ ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस टू इज़ फोरटीन नाइन प्लस फोर इज़ नाइन प्लस फोर इज़ थर्टीन थर्टीन प्लस वन इज़ फोर्टीन ओके वन प्लस वन इज़ टू प्लस वन इज़ थ्री तो हमारा आंसर क्या आया थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी फोर ओके अब हम Uh, इतना तो हमने कर लिया अब ये जो नंबर बचा इसको हम क्या करेंगे इसके साथ माइनस कर देंगे फाइन इसका आंसर लिखिए क्योंकि ये आंसर बड़ा है तो हम पहले इसको लिखेंगे उसके बाद माइनस का जो साइन है वो वाला डिजिट हम यहाँ लिख लेते हैं सॉरी नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं फिर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे टू तो में से हम एट को माइनस नहीं कर सकते हम एक नंबर बो करेंगे वो बनेगा ट्वेल्थ ट्वेल्थ में से एट माइनस करिए फोर यहाँ से इसको दिया पीछे बचा थ्री थ्री में से फाइव नहीं हो सकता एक नंबर बॉरू करेंगे दैट्स आज थर्टीन में से फाइव निकालिए एट ओके okay. uh, जब इसको दिया पीछे बचा थ्री 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 इज ज़ीरो एंड यहाँ पे भी ज़ीरो तो आपका आंसर क्या आया एटी फोर ओके अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ये वाला थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले क्वेश्चन से ध्यान से देखिए uh, ये एडिशन का नंबर है ये एडिशन uh, का साइन है यहाँ पे एक नंबर आपका ऐड का मिल रहा है ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है इन तीनों नंबर्स को हम फिर से साथ में लेंगे पहले की तरह इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे सेवन प्लस थ्री इज़ टेन टेन प्लस एट इज़ एटीन ओके फिर फोर प्लस टू इज सिक्स सिक्स प्लस वन इज सेवन सेवन प्लस वन इज एट सिक्स प्लस थ्री इज नाइन नाइन प्लस फोर इज़ थर्टीन ओके फिर वन कैरियर आ गया फाइव प्लस टू इज़ सेवन सेवन प्लस वन इज़ एट तो आपका आंसर क्या आया एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी एट अब ये जो आंसर आया था और जो हमारा माइनस का जो माइनस की जो नंबर्स uh, हैं वो दो हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे इन दोनों नंबर्स को लेंगे और हमें पता है कि माइनस माइनस इज़ इक्वल्स टू प्लस होता है फ़ाइन तो हम इन दोनों नंबर्स को लेंगे और ऐड कर देंगे ओके नाइन इट इज़ नीचे आएगा नाइन प्लस ज़ीरो इज़ नाइन फोर प्लस फोर इज़ एट एट प्लस फाइव इज़ थर्टीन थ्री प्लस वन इज़ फोर फोर प्लस वन इज़ फ़ाइव तो आपका आंसर क्या आया फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी नाइन अब हम इन दोनों नंबर्स को जो हमारे आंसर्स आए यानी इन दोनों को इन तीनों को ऐड करके जो आंसर आया और इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आया, आया इन दोनों को लेंगे और आपस में माइनस कर देंगे फाइन माइनस करिए एट थ्री डबल एट को फाइव थ्री एट नाइन से हम माइनस करेंगे एट में से नाइन माइनस नहीं हो सकता एक नंबर कैरी बोरो करेंगे दैट्स एटीन एटीन में से नाइन निकालिए नाइन uh, यहाँ से इसको दिया पीछे बचा सेवन सेवन में से एट नहीं हो सकता यहाँ से एक नंबर बोरो करेंगे दैट्स सेवेंटीन सेवनटीन में से एट निकालिए नाइन फिर हमने इसको दिया पीछे बचा था टू टू में से थ्री नहीं हो सकता फिर हम एक और नंबर बॉरू करेंगे वो बनेगा हमारा ट्वेल्थ ट्वेल्थ में से थ्री निकालिए दैट्स नाइन यहाँ सेवन बचा सेवन में से फाइव इज टू तो आपका आंसर क्या आया टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ओके तो कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन करना था बाकी आपको जितने भी क्वेश्चन हैं यानी आई थिंक टेन है तीन क्वेश्चन से आपको इनका पी मिल जाएगा अपना काम ध्यान से करेंगे और साइन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन सा साइन कहाँ पर लगाना है ओके okay? और जैसे मैंने दिखाया ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन के रिलेवेंट हमने एग्जांपल्स लिए थे तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा हम नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे आप अपना काम कंप्लीट करिए ध्यान से और साइन uh, का प्लीज़ ध्यान रखिए क्योंकि यूजुअली uh, uh, थोड़ा हो जाता है इधर उधर तो अपना ख्याल रखिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ़ अल्लाह हाफिज़